बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ताला के करम से आज का व्लॉग शुरू करता हूँ। मैं कहता हूँ कि दोस्तों आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी मैं जुमातुल मुबारक अदा करने के लिए जा रहा हूँ, बहुत लेट हो चुका हूँ। अभी जुमातुल मुबारक अदा करके तो अभी मैं कब्रिस्तान में जा रहा हूँ। ये जो मैंने पकड़ी हुई है, हम इसको पंजाबी में कई बोलते हैं, दादा बुजान की कब्रिस्तान। ऊपर से मिट्टी जो है उतर चुकी है और वो नीचे हो चुकी है, तो अभी उस पर जाकर मिट्टी डालेंगे। तो आज तकरीबन मैं 15 दिन बाद दादा बुजान की कब्रिस्तान पे जा रहा हूँ। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, तो जुम्मतुल मुबारक अदा करके मैं घर गया और जाके मैंने ये कही ली और मैं सीधा कब्रिस्तान की तरफ आ गया। तो जाते जाते आपको खेतों का भी नज़ारा करवाता जाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये थूम है, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये थूम है और साथ में उसके आलू लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। कब्रिस्तान की तरफ हर तरफ गोभी ही गोभी है, आप देख सकते हैं। कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दादा बुजान के कब्रिस्तान में मिट्टी डाल ली है। भाई शलजम तोड़ के लाए हैं और भाई शाहजेब को भी दिए हैं और मुझे भी दे रहे हैं। भी इधर से गन्ने तोड़ेंगे ये भाई लोग। मैंने इन भाई से कहा कि मुझे 2-3 गन्ने चाहिए, तो वो भाई लोग तोड़ने के लिए गए हैं, तो अभी वो तोड़ के ला के देंगे। जी कब्रिस्तान से वापस आ गया हूँ मैं। तो दादा बुजान के कब्रिस्तान में मिट्टी भी डाल ली, वो एक यासीन पड़ी, मैं घर आ गया। अभी घर आके खाना खाया और अभी मैं फिर बाहर निकला हूँ। पापा कितने थले थले तू कितने गए थे पापा? चुप्पा तो ले आंदा नहीं, वो वहाब रोड है, जाओ उसको लेके आओ वहाब को। वहाब आजो भाव ऊपर आया है मेरे पास। भाव सीने पर चढ़ तो सकता है लेकिन जिधर से ना चला जाए उधर रुक जाता है, तो अभी नीचे बैठ के रो रहा था, तो अभी मुझे वासना आई थी और अभी मैं भाव को लेके आया हूँ। हैं भाव क्या बोल कितने देख जाएंगी, क्या लेना है है? क्या लेना है दुकान से? चलिए मैं चीज की लेना है दस दस तू की लेना है की बा की लेना है बोतल। तो अभी एग्जाम भी सर पे आ गए हुए हैं, एग्ज़ाम को तकरीबन 1 महीना और 15 दिन बाकी रह गए हैं, तो अभी तैयारी उसकी कर रहा हूँ एग्ज़ाम की। सुबह स्कूल से आता हूँ तो 3:30 बजे तकरीबन स्कूल से आना होता है, तो फिर खाना खा कर तो फिर 5 बजे फिर अकेडमी चला जाता हूँ, तो फिर 10 बजे रात को छुट्टी होती है, फिर सोता हूँ, फिर ये एक मामला चलता रहता है। तो इसी के साथ मैं महबूबा को दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक किए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।